उधम सिंह नगर के गदरपुर में नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने चक्की मोड़ रामलीला मैदान से दिनेशपुर स्वर्गीय पुलीन विश्वास मूर्ति के समक्ष पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा चक्की मोड़ से प्रारंभ हुई। नशे के खिलाफ लोग धीरे धीरे पदयात्रा में जुड़ते चले गए। भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र का युवा वर्ग नशे का आदि होता जा रहा है, कुछ सफेद पोश लोग इसमें शामिल हैं। इस पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकाली गई। दिनेशपुर क्षेत्र में हाल ही में एक नशेड़ी युवक ने एक बुजुर्ग को लूटने का प्रयास करते हुए बुजुर्गों को नशेड़ी ने मार डाला। दिनेशपुर में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। वहां सभी नशेड़ियों के द्वारा इस पदयात्रा का जिन्हें वहां सभी नशेड़ियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और संबंधित विभाग को एक्टिव करना। अंदर अभिशाप है, उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा अभिशाप हो चुका है, इतना बड़ा समाज के लिए कलंक हो चुका है कि हमारे बच्चे नशे में लिप्त होकर अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जा कर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है, इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।